हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और इतने दिन से तो भाई आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स भी आ रही थी कि भाई आप नया व्लॉग कब डाल रहे हो। लेकिन जो लोग हमारी सारी चैनल फॉलो करते हैं तो उन लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि भाई मेरे लेग में इंजरी हुई थी, तो उसकी वजह से भाई मुझे 3 मंथ्स तक रेस्ट ही करना था, क्योंकि सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद जो एंकल स्प्लिंट आता है वो मुझे पहन के रखना था। और आज के ये व्लॉग से आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी फैमिली व्लॉग्स तो मैं करूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ भाई कुछ इसके अंदर फन भी मैं डालूंगा। तो भाई देखो, अभी फिलहाल मैं रेडी होकर नीचे आ गया हूँ। मम्मी इधर बैठी है, पापा फोन में लगे हुए हैं। पापा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नहीं गेम खेल रहे हो है ना? नहीं, खाली बंद है। अभी मम्मी से कुछ पूछते हैं। मम्मी तू एक बात बता कि पापा ने तुझे लास्ट तब कुछ गिफ्ट दिया था, आई मीन कोई भी चीज जो तुझे पसंद है वो। गिफ्ट वाली कोई चीज नहीं मिली मुझे, ये याद नहीं अभी तक। अच्छा, आई मीन बहुत साल पहले तुम्हें मिला था ऐसा? लेकिन हर रोज मुझे पसंद है वो तो देते ही रहते, क्या सब्जी वगैरह। पापा अभी आज आपको मैं एक टास्क देने वाला हूँ, या फिर चैलेंज, आप कुछ भी बोलो, वो आज आपको मम्मी को इम्प्रेस करना है। अरे मम्मी इसमें क्या सुन पा रही है? ये तेरे हस्बैंड है, तेरे पापा फेल हो जाएंगे। और पापा आज आपको करना क्या है वो पता है? आपको आज कोई भी 3 चीज लेनी है, और फिर वो मम्मी को एक एक करके देनी है, और फिर हम देखते हैं कि भाई मम्मी उसमें से कौन सी चीज देखकर खुश हो जाती है। तो आज आपको ये मैं टास्क देने वाला हूँ, तो रेडी हो आज? मैं तो रेडी बैठा हूँ, दोबारा इम्प्रेस नहीं हो। नहीं नहीं पापा, आज आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि आज आप मम्मी को इम्प्रेस करके दिखाओ। मम्मी ने तो बोल ही दिया है कि भाई पापा उसमें फेल हो जाएंगे, उसको पता है। लेकिन नहीं, आपको फेल नहीं होना है आज, आज आपको पास होना है ये मिशन में से। तो भाई अभी पापा जो चीज लेने जाएंगे तो पापा के साथ अभी मैं भी जाने वाला हूँ, और मम्मी तब तक आज तू वेट कर और फिर देखते हैं एंड में। अभी बाहर जाने से पहले मैं ऊपर जाकर सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। एंड वैसे भी सनस्क्रीन हमें 365 डेज यूज करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड स्किन टोन। बहुत सारे मिथ्स है लोगों को कि क्लाउडी डे है तो सनस्क्रीन नहीं लगानी, या स्किन टोन डार्क है तो सनस्क्रीन का कोई यूज नहीं है। ये सब मिथ्स है, बिकॉज सनस्क्रीन हमें UVA एंड UVB रेस से प्रोटेक्ट करती है, एंड सन एक्सपोजर से होने वाले डैमेज से भी बचाती है। सनस्क्रीन लगाना अब और इजी हो गया है बिकॉज ऑफ वाउ स्किन साइंस यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30, जो एक स्प्रे बॉटल में आती है, जिसका यूज करना काफी इजी है। बस अच्छे से शेक करें यूज करने से पहले, एंड 20 सेंटीमीटर दूर से होल्ड करके एंड अपने सारे एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पर स्प्रे करें। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे सिर्फ आउटडोर ही नहीं इंडोर भी लगाना चाहिए। इस सनस्क्रीन में गुडनेस है रास्पबेरी, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड आलमंड ऑयल की, एंड ये रिच है विटामिंस, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो स्किन में नरिशमेंट डिलीवर करता है। ये एक लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली एंड नॉन पैची फॉर्मुलेशन है, जो स्किन पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनती है, जो स्किन को सन डैमेज और पॉल्यूटेंट से बचाती है एंड हाइड्रेटेड रखती है। दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जैसे कि सिलिकॉन्स, पैराबेन, ऑक्साइड कलर एंड फ्रेग्रेंस। आप भी ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, एंड You can use my coupon code VIVA20 to get 20% off on their website. So guys, be wow naturally. चलिए भाई अभी निकलते हैं। तो अभी पापा भी रेडी हो गए। अभी आज बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अभी आज पापा की हालत खराब भी होने वाली है और नहीं भी। पापा ने अच्छी चीज चुन ली, आई मीन जो मम्मी को पसंद है वो, तो भाई पापा बच गए। अगर फिर पापा वो सिलेक्ट नहीं कर पाए जो मम्मी को पसंद है, तो फिर पापा गए। गए नहीं, अगर पसंद आई चीज मम्मी को तो पापा बच गए, अगर पसंद नहीं आई तो पापा बच गए। तो भाई आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज मम्मी को 3-3 तोहफे मिलने वाले हैं, वो भी पापा से। देखते हैं तेरे कंजूस पापा कितने महंगे थे। नहीं नहीं मम्मी, वो चीज 5 रुपए की भी क्यों ना हो, मुझे पसंद आनी चाहिए, वही मैटर करता है। और इतने सालों से तो भाई पापा ने भी मम्मी को कुछ ऐसा नहीं दिया, ना ही मम्मी ने पापा को कुछ दिया है, वो इसीलिए बिकॉज मम्मी और पापा को जो चीज़ चाहिए वो मैं और भाई दे देते हैं, तो फिर मम्मी और पापा के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि जब से मम्मी और पापा रिटायर्ड हुए हैं ना, तब से भाई मम्मी और पापा को कोई भी चीज़ चाहिए ना तो मैं और भाई लेके देते हैं। आज तो जाएंगे पापा की कार में, और अभी आपको मेरी कार नहीं दिख रही होगी, वो इसीलिए बिकॉज मेरी कार लेकर भाई गया है मुंबई। तो अभी भाई और भाभी बस 2-3 दिन में आ जाएंगे वापिस। आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है ना, तो भाई आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बिकॉज भाई
अभी पापा मम्मी के लिए क्या लेने जा रहे हैं वो अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। पापा कुछ सोचा तो है ना कि फिर ऐसे ही कि जो रास्ते में दुकान आ गई वहां पर हम खड़ी कर देंगे गाड़ी। आलू आलू प्याज ले लो। नहीं नहीं वो पापा आप तो रोज लेकर आते हो, मम्मी के मुंह के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए। वो तो आ ही जाएगी, मुझे पता है उसको क्या क्या चीज पसंद है। अच्छा ऐसा। तो भाई देखो अभी भाई हस्बैंड है भाई तो भाई पता तो होगा ही, लेकिन अभी वो चीज मम्मी को पसंद आती है कि नहीं वो देखना है। मेरी हर चीज आज की ऐसी रहेगी कि मम्मी देख के खुशी हो जाएगी। अच्छा भाई आज पापा बहुत कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। पापा मम्मी ने आपको कुछ बोला तो नहीं है ना ऐसा धीरे से? ऐसे कुछ बात ही नहीं हो भाई। नहीं वैसे भाई देखो बात तो नहीं हुई है, देखते हैं अभी। चलो तो भाई हम लड़के लोगों को पसंद है भाई कार्स बाइक्स वो सब, लेकिन जो हमारी मम्मियां होती है और जो बीविया होती है भाई उन लोगों को पसंद है भाई गोल्ड यानी कि सोना, सही ना पापा? और पापा को वो चीज बड़े अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि पापा छोटी सी चीज लेंगे क्योंकि भाई देखो पापा है तो कंजूस थोड़े। बात अलग है। हाँ ऐसी जरूरत की चीज नहीं है, खाली गिफ्ट देनी है मम्मी को। 1 ग्राम का कॉइन लिया है पापा ने। चलो ये चीज देखकर मम्मी आई एम श्योर कि बहुत खुश होने वाली है, है ना? वही होगा, मम्मी खुशी होगी आगे। भाई आज पापा पहली बार मम्मी के लिए फूल लेने आ गए हैं। पापा इधर तो आओ 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 इधर। आपको कैसा लग रहा है आज? आज लाइफ में आप पहली बार आए नहीं मम्मी के लिए फूल लेने? अभी लगता नहीं कि मैं मेरी बीबी के लिए लेने आया। क्या पापा आज ये सब देखकर भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है और हंसी भी आ रही है। तो फाइनली ये दूसरी चीज भी ले ली पापा ने। क्या तीसरी भी ले ली? अरे नहीं एक क्या पापा, ये सिंग तो भाई पापा को पसंद है, खारी सिंग यानी कि पीनट्स। अपने एक चीज हो गई ये, दूसरी हो गई। पापा अभी तीसरी चीज कौन सी है? एक बात बोलो सच में। अभी एक खाने की चीज ले लो आप। अब मैं वही लेने वाला हूँ। अच्छा मेरे बोलने से पहले आपने सोच के रखा था? तो अभी पापा लेकर आए गाड़ी नाश्ते की दुकान पे। तो पापा आप यहाँ से क्या लेने वाले हो अभी तो बता दो, क्योंकि अभी मैं नीचे नहीं उतरने वाला हूँ। मिक्स भजिया लेंगे। अच्छा भाई भाई देखो मम्मी को भाई पकोड़े बहुत पसंद है तो भाई पापा को वो चीज भी मालूम है। सही है पापा, आज तीनों की तीनों चीजें ऐसी है ना कि वो सभी को देखकर आज मम्मी बहुत खुश होने वाली है। तो भाई पापा ने कुछ पैक तो करवाया, लेकिन पापा क्या करवाया? समोसा है, दाल वड़ा। आई मीन पकोड़े, दाल के पकोड़े, दाल वड़ा। अभी आज मम्मी भी बोल रही है। हाँ वड़ा बनाऊं? अच्छा मैं ही बना के लाता हूँ। भी पापा ने तीनों की तीनों चीज ले ली है। पहला लिया है गोल्ड का कॉइन, फिर सेकंड जो चीज ली है वो है भाई ये रोज, और थर्ड जो चीज ली है वो है भाई नाश्ता, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं भाई शाम के। तभी मम्मी को भूख बहुत लगी होगी। पापा शातिर निकले, मम्मी को ऐसा ही डाउट था कि भाई पापा फेल हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं पक्का हूँ कि भाई पापा पास है। ये काम एक भी जगह फेल नहीं रहा हूँ। तो फाइनली पहुंच गए घर। मम्मी आज तू वेट करते करते थक गई। हाँ, देखो आज मम्मी कितनी खुश हो रही है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या लाएंगे वो। आ गए मम्मी आगे बंद कर दे चल। तो अभी पापा पहली चीज मम्मी को देने जा रहा है, और अभी मम्मी को हमने आंख बंद करके यहाँ पर बिठाया है। जल्दी करो।
और मम्मी को भी तीनों की तीन चीजें मिल गई। पर सबसे अच्छी कौन सी लगी बोल? हाँ कौन सी? मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तुझे कौन सी लगी? वो वाली। अच्छा ये पकौड़े? पापा ये तो मम्मी बहुत सस्ते में भी निपट गई। मुझे पता था, वो आज ही बोल रही थी कि आज मैं दाल वड़े बनाऊं आपके लिए। पापा तो आपने ये सब क्यों खर्चा किया अभी? वही ना, ये गलती कर दी मैंने, यही ठीक था। 250 ग्राम तो आज ये कुछ अलग टाइप का ही व्लॉग था। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अब से मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही फैमिली व्लॉग्स में कुछ ना कुछ मैं फन ऐड करता जाऊँ। तो भाई आपको भी मजा आए मेरे व्लॉग्स देखने में। और वैसे पापा आज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, थोड़ी मेहनत करी आपने लेकिन कैसा लगा? वो तो भाई मेहनत होती है। सही है, चलो भाई देखो आज के लिए अपनों के हाँ। लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट करना वो अच्छी बात है। हाँ ऐसे भाई देखो, ऐसे सभी व्लॉग्स में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, कुछ ना कुछ हम डिफरेंट ट्राई करने वाला है। तो आप भी इसी तरह अपनों को ऐसी गिफ्ट देते रहो भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि गिफ्ट एक्सपेंसिव ही होनी चाहिए, चाहे वो भाई छोटी हो या फिर बड़ी, वो चीज मैटर करती है। और जब वो गिफ्ट हम अपनों को देते हैं तो उनके मुंह के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए, बस वो ही मैटर करता है भाई। चाहे वो गिफ्ट 10 रुपए की हो या फिर 10,000 की हो, वो मैटर कुछ नहीं करता है, बस भाई खुशी मैटर करती है। तो आप भी बस इसी तरह अपनों को ऐसे कोई कभार बार गिफ्ट्स देते रहो तो भाई सबको अच्छा लगेगा, सही ना? तो चलिए अभी आज कुछ अलग टाइप का ये व्लॉग था, और आई होप कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और अच्छा लगा हो तो भाई ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो चलिए अभी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।